शहर में डेंगू के वार जारी। हंजरवाल की 14 साला लबीबा में डेंगू वायरस की तस्दीक। लबीबा जिना हॉस्पिटल में जेर इलाज। डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 6 हो गई। शाहमीरा बाजार में नीलम सिनेमा के करीब पेट्रोल की एजेंसी में आग लग गई। आग ने 9 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। 3 दुकानें जल गई। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। सामान जलकर राख। रमजानुल मुबारक से 6 हफ्ते कबल महंगाई धमाका। रिलीफ तो दरकिनार, दाल रोटी के भी लाले पड़ गए। अवाम महंगाई की चक्की में पिसने लगे। अकबरी मंडी स्टॉक होल्डर्स ने शेख उरनोश अजहुद महंगी कर दी। दाल माश में 30 रुपए फी किलो का इजाफा। बेसन 12 रुपए, दाल चना 15 रुपए, दाल मसूर 13 रुपए महंगी। सुर्ख मिर्च दाल मूंग की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। होशुबा महंगाई पर अवाम की चीखें निकलने लगी। ज़खीरा अंदोज़ों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का होगा। वज़ीरे आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा से तवील मुलाकात। अवाम को रिलीफ देने और बेहतर तर्ज हुक्मरानी पर मशावरत। मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मियां असलम इकबाल को जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीरे आला का कहना है कि अवाम को मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। तनकीद की कोई परवाह नहीं, अवामी खदमत के सफर को आगे बढ़ाएंगे। महंगाई से अवाम को एहसास हो चुका, तब्दीली आ गई है। कारोबार बंद है, मईशत तबाही के दहाने पर है। हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर मशावरत नहीं कर रही। बर वक्त तैनाती ना हुई तो मामला कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। जब मुश्किल पड़ती है तो हुकूमत को अपोजिशन याद आ जाती है। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर बात ऐवान में होगी। सरदार रियाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के एक्शन के बाद रिएक्शन। अरकाने पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान, तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर अमल दरामद रोकने का फैसला। मैं ना मानूं, लेडी हेल्थ वर्कर्स की अना बरकरार। मॉल रोड पर धरना 4th रोज में दाखिल। मुतालिबात का नोटिफिकेशन मिलने तक फैसल चौक से उठने से इनकार। 3rd रोज धरने में सियासी रंग भी चमकने लगा। समीना खालिद घुरकी की क्यादत में पीपल्स पार्टी के वक्त की फैसल चौक आमद। हेल्थ वर्कर्स से इजहार यकजहती। समीना खालिद घुरकी ने कहा, हुकूमत मुतालिबात जबानी कलामी नहीं अमली तौर पर पूरे करे। लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ खवातीन जैसा ही सलूक किया जाए। चाहती है, अगर आपको पता चला कि किस चीज़ पे करना चाहती, जो जो डिमांड थी वो आपके सामने गिन के मैंने सारी बता दी। हूँ मैंने समझ नहीं आती मुजाकरात किस चीज़ से मैं करा कि तुझे उठना है, बैठना है, कि करना, खड़े होना है। वो कहते हैं बहना, मैं कुछ बह जाओ तो अनपता सी, तो किसी को मना ही नहीं कर दे। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं इलाज नहीं कराना, उसके ना कराओ। उन्होंने कहा मैं इलाज कराना, उसके करा लो। मतलब असी अब हम तो उस तरह के लोग हैं जो किसी को तंग किए बगैर, परेशान किए बगैर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबके मसले मसाले। तमाम मुतालिबात मान लिए तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के? हेल्थ वर्कर्स ने उठना है उठ जाएं, बैठना है बैठी रहे। वज़ीर सेहत का 2 टोक मौक़िफ़। कहा सियासत में जिंदा रहने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं। तर्जुमान वज़ीर आला शहबाज गिल भी मैदान में आ गए। धरने में शरीक 2 खातीन सियासी असाइम रखती हैं, उनके मुखालिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुकात हैं। मुल्क नाजायज मुतालिबात नहीं मानेगा। मुस्तकिल करो, अलाउंस बढ़ाओ। सेक्रेटेरिएट के बाहर असाज़ा का एहतजाज। हुकूमत को मुतालबात पूरे करने के लिए 28 मार्च तक की डेडलाइन। अदम मंजूरी पर सेक्रेटेरिएट चौक में धरने का ऐलान। 1 अप्रैल से क्लासेस के बायकॉट की धमकी। 1 तंजीम का एहतजाज तो दूसरी तंजीम के मुज़ाकरात। पंजाब टीचर्स यूनियन के वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज के साथ मुज़ाकरात। उसाज़ा को उनके मुतालबात जल्द पूरे करने की यकीन दहानी। मुतालिबात की अदम मंजूरी। पेफ पार्टनर स्कूल का 27 मार्च को तमाम इजलास में एहतजाज का ऐलान। ऑल पाकिस्तान स्कूल्स एसोसिएशन का इजलास, अहम फैसले मतवक्के। नए दाखिलों की इजाजत ना मिलने पर धरने की धमकी।
हाई के अरमान आंसुओं में बह गए। काले चश्मे से लाल दुपट्टे तक की स्टोरी का दी एंड। गैर मुल्की हसीना ट्रेसर को मनशात स्मगलिंग केस में 8 साल कैद की सजा। सेशन कोर्ट की मुजरिमा को 1,13,000 रुपए जुर्माने की भी सजा। फैसला सुनकर चेक मॉडल ट्रेसा रो पड़ी। अदालत का फैसला हकायक के बरक्स करार दे दिया। शरीक मुलजिम हफीज शक की बुनियाद पर बरी। कस्टम्स हुकाम ने मुलजिमा को 8 किलो हेरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया था। सानहा साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। हाईकोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दायर तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा मंजूर कर ली। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के बैनर्स उतारने का फड्डा। जिले इंतजामिया और पीएचए में सर्द जंग। पीएचए ने आगाही बैनर्स उतार दिए। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम मुतासर हो रही है। डिप्टी कमिश्नर सोले सईद का डीजीपीएचए को शिकवे से भरा खत। डीजीपीएचए फैसल जहूर ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कोई बैनर या स्टीमर नहीं उतारे, तमाम बैनर्स सड़कों पर मौजूद हैं। डीजीपीएचए का जवाबी मरासला। पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज का मामला। जमीयत के कारकुनों ने वाइस चांसलर की एमा पर तशद्दुद किया। डॉक्टर नियाज अहमद का जमीयत से ताल्लुक है। ट्रांसपोर्ट के मसले पर एहतजाज करने वाले तलबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट के मसले पर एहतजाज करने वाले तलबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपोर्ट फंड्स की मद में तलबा से 15 करोड़ लिए जाते हैं मगर सहूलियात ना होने के बराबर है तलबा का इल्जाम। तशद्दुद करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात में अहम मोड़। जेआईटी की कोटलाखबा जेल में नवाज शरीफ से 2 घंटे तक पूछगछ। अवामी तहरीक के लोगों को मॉडल टाउन क्यों बुलवाया गया। ताहिरुल कादरी के वतन वापस आने पर बंदोबस्त किया है, ये बात आपने कही। खान बेग की तब्दीली। मुश्ताक सुखेरा की तैनाती की वजूहात बताएं। बतौर वजीर आजम सानहा मॉडल टाउन की गैर जानबदार जेआईटी क्यों ना बनाई। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की फौरी खिदमात पंजाब के क्यों सुपुर्द की गई। साबिक वजीर आजम से 25 सवालात। नवाज शरीफ की तबीयत खराब, आज किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। हमें और पूरी कौम को नवाज शरीफ की जरूरत है। दुआ है कि वो जल्द सेहतमंद हों और अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बत का शुक्रिया अदा करती हूं। मरियम नवाज का ट्वीट। पहले मरियम नवाज, बाद में शहबाज गिल। ट्विटर पर आमने सामने। कल तक तो आप कह रही थी कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, अब मुलाकात का दिन आया तो आप खुद लोगों को मुलाकात से रोक रही हैं। तर्जमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल का जवाबी ट्वीट। साबिक वजीर आजम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं शहबाज गिल। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का पीकेएलआई का दौरा। अस्पताल इंतजामिया के साथ इजलास। मैनेजमेंट और सीनियर डॉक्टरों की शिरकत। सूबाई वजीर सेहत का पीकेएलआई को शौकत खानम अस्पताल की तर्ज पर चलाने का ऐलान। कहा डॉक्टर्स के तहफ्फुजात दूर करेंगे, बाहर से भी डॉक्टर्स लाएंगे। गरीब मरीजों को सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने गवर्नमेंट मियामीर हॉस्पिटल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर सोले सईद ने लिबर्टी में पौधा लगाया, दीवारों पर पेंटिंग भी की। सड़कों की कोशादगी। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट पर एक्वायर की गई। अरासी पर तामीरात के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दर्दे सर बन गई। कमर्शियल इमारतों की सैकड़ों दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार होने का इंकशाफ। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तजावीज तलब कर ली। पंजाब
पंजाब 1500 अरब रुपए का मकरूज है। हमें फैसला करना है कि मुल्क को टैक्स से चलाना है या कर्ज से। टैक्स सबको अदा करना होगा। साबिका हुकूमतों के कर्जे अदा करने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। सूबाई वजीर तजारत नियासलम इकबाल का ताजरान से खिताब। ट्रेडर्स अलायंस के वक्त की भी सूबाई वजीर से मुलाकात। FBR के छापों और दीगर मसाइल से आगाह किया। न्यूजीलैंड के शोहदा और अहले खाना से मसीही बरादरी का इजहार यकजहती। इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री चर्च बहार कॉलोनी में शोहदा के लिए दुआया तकरीब, शमें भी रोशन की गई। सूबाई वजीर एजाज आलम और तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल की शिरकत, मसीही बरादरी की भी बड़ी तादाद शरीक। ताजिर बरादरी वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब और मॉल रोड पर तारिक बशीर चीमा के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स आवेजा। कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस मुजरिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। मुलजिम गुलाम बारी ने 2007 में अपनी बीवी, ससुर और दो सालों को कत्ल किया। SP CIA उस्मान एजाज बाजवा की प्रेस ब्रीफिंग। मुलजिम से असलहा 1430 अमरीकी डॉलर, 700 यूरो और 5 लाख रुपए बरामद हुए। MDC नॉर्दर्न गैस कंपनी आमिर तफैल की तब्दीली का मामला। आमिर तफैल को नॉन टेक्निकल होने पर ओहदे से हटाया गया। पॉलिसी के तहत सिर्फ टेक्निकल ग्रुप वाले ही MD तैनात हो सकते हैं। वासा अफसरान के खिलाफ घेरा तंग। गुज़िश्ता 2 सालों में होने वाले तरक्याती कामों की तहकीकात शुरू। एंटी करप्शन ने वासा के 2 XN और 1 SDO को तलब कर लिया। डेफ क्रिकेटर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में धरना। डेफ क्रिकेटर्स के लिए नए आइन का मुतालबा। PCB और डेफ क्रिकेटर्स के दरमियान मुजाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म करने का ऐलान। PCB मौतल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अप्रैल में कराएगा। नया आइन बनने तक मौजूदा पार्टी अपना काम जारी रखेगी। मुजाकरात में फैसला। ऐवान इकबाल में यौम पाकिस्तान के मुनासबत से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सेनेटर वलीद इकबाल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तलबा की जानिब से मिले नक़मे और यौम पाकिस्तान की मुनासबत से टैबलोस पेश किए गए। शुरका ने खूब सराहा। दी लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए एक और मुश्किल। प्रोड्यूसर बिलाल लाशारी को कॉपीराइट सर्टिफिकेट जारी करने का इकदाम अदालत में चैलेंज। बिलाल लाशारी ने गैर कानूनी तौर पर कॉपीराइट सर्टिफिकेट जारी करवाया। दरखास्त गुजार का मौकफ। तालिबात अब बास्केटबॉल में भी महारत दिखाएंगी। 8 साल बाद पंजाब गेम्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की 18 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया।